हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने 26 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 26 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 27वां क्वेश्चन है। भुजा ए वर्ग वाले वर्ग के चारों शीर्षों ए बी सी व डी पर एक समान आवेश क्यू रखा गया है। बिंदु डी पर रखे आवेशों पर लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। यानी वर्ग के चारों शीर्षों पर आवेश कितना रखा है? क्यू। भुजा कितनी है? ए। तो वो पूछ रहा है किसी बिंदु डी पर बल कितना होगा, ये आंसर है उसका। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमें आंसर ज्ञात करना है। तो देखो, ये एक हमने वर्ग बनाया है, इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा, इस कोने पर भी क्यू आवेश रखा, इस कोने पर भी क्यू, और यहाँ पर भी क्यू आवेश रखा। यहाँ से अगर बेटा इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये डायरेक्शन होगी उसकी, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये डायरेक्शन होगी उसकी, और इस विकर्ण को आगे बढ़ाया जाए तो ये डायरेक्शन होगी। तो वर्ग का ये वाला पूरा कोण 90 अंश का होता है। अब ये पूरा 90 अंश का होता है तो यहाँ से बीच में से विकर्ण खींचेंगे तो ये 45-45 के हो जाएंगे। अब 45-45 के हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखना है कि परिणामी बल कितना लगेगा, परिणामी बल कितना लगेगा। तो देखो बेटा, बल यहाँ पर कितने कार्य कर रहे हैं? इन दोनों आवेशों पर एक बल लगेगा, दूरी कितनी है? ए। इन दोनों आवेशों पर एक बल लगेगा, दूरी कितनी है? ए। फिर इन दोनों आवेशों पर एक बल लगेगा, दूरी निकालनी है। और वैसे भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है? भुजा अंडर रूट 2, यही तो होता है। और भुजा कितनी है? ए। और तो इसका हम विकर्ण निकाल भी सकते हैं, भुजा अंडर रूट 2। तो इसका विकर्ण कितना होता है? भुजा अंडर रूट 2, ठीक है। तो देखो बेटा, क्या बल कार्य करेंगे डी पर? एक तो इसके कारण यहाँ बल लगेगा, एक इसके कारण यहाँ बल लगेगा, एक इसके कारण यहाँ बल लगेगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे, और पहले इसके कारण जो यहाँ बल लगेगा उसके लिए एंगल 45 अंश, ये इसके लिए 45 अंश, लेकिन इसके लिए 0 अंश। तो यहाँ पर अगर हम इसे, तो विकर्ण कितना हो गया? रूट 2 है, वो तो हमने लिख दिया। अब बिंदु डी पर परिणामी बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो एफ बराबर F1 cos θ + F2 cos θ + F3। यहाँ पर cos 0 होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन में कितना होगा? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। और ये थीटा कितना है? ये थीटा है 45 अंश, ये थीटा भी कितना है? 45 अंश। तो F1 पहले इन दोनों आवेशों पर लगाएंगे, 1/4πε0Q1Q2/a2। तो देखो बेटा, यही लिखा है Q Q/a2। थीटा के स्थान पर 45, तो cos 45 प्लस। अब F2 इन दोनों पर 1/4πε0Q Q/r2। आर स्क्वायर के स्थान पर क्या है? ए स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 1/4πε0Q2/a2। cos 45 का मान 1/√2 प्लस 1/4πε0Q Q, इन दोनों पर, इस पर और इस पर, Q Q/a√2² और cos 0 तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्यू क्यू में गुणा करेंगे, क्यू स्क्वायर और इसका अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 बचेगा, a का करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बेटा, ये हमें इतना पोर्शन मिला, इसमें से 1/4πε0Q²/a² 1/4πε0Q²/a² Q²/a² ये क्या कर लेंगे बेटा? कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से। तो कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0Q²/a² इधर बचा बेटा 1/√2 प्लस, इधर बचा 1/√2 प्लस, इधर बचेगा 1/2। अब देखो बेटा, रूट टू और रूट टू का एलसीएम कितना आ जाएगा? रूट टू, 1 और 1 1+1 हो जाएगा, 1 और 1 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2। अब 2 से अंडर रूट 2 क्या बार कट जाएगा? अंडर रूट 2 बार कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, यहाँ पर हमने बल को कॉस के पदों में निकाला है, ठीक है। F1 cos θ क्षैतिज के रूप में, F1 cos θ, F2 cos θ, F3 cos 0, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा परिणामी बल निकल आया। कितना निकल के आया?
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट दो प्लस एक बट्टे दो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 28 है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए पर प्लस 0.100 माइक्रो कूलाम का आवेश मध्य एक बिंदु आवेश रखा है शीर्ष ए पर। तो देखो बेटा यहाँ से 0.100 गुणा 10^10 माइनस 6 कूलाम शीर्ष ए पर ये आवेश रखा है, ठीक है। बी तथा सी के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो बेटा बी ये है और सी ये है, तो बी और सी का मध्य बिंदु क्या है? डी। तो बी और सी के मध्य बिंदु पर पूछ रहा है तीव्रता क्या होगी। यदि त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो, त्रिभुज की भुजा कितनी हो बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो बेटा ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लंब डालेंगे यहाँ से इस पर, तो ये 5-5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब यहाँ तीव्रता निकालनी है हमें इसके कारण, तो ये दूरी मालूम होना ज़रूरी है हमें, ये दूरी मालूम होना ज़रूरी है। तो देखो बेटा समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में, तो ए बी डी में लिखेंगे तो ये 90° का एंगल होगा, 90° के एंगल के सामने की भुजा कर्ण होगी, ये लंब हो जाएगा और ये क्या होगा? आधार, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में कर्ण का वर्ग ए बी का वर्ग बराबर पाइथागोरस प्रमेय ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग 10 × 10^-2 का स्क्वायर, 10^-2 क्यों लगाए? क्योंकि सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10^-2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए डी, ए डी तो हमें ज्ञात ही करना है, बी डी 5 सेंटीमीटर, 5 × 10^-2 का स्क्वायर, 5 × 10^-2 का स्क्वायर। 10 × 10^-2 का वर्ग करेंगे तो 100 × 10^-4 हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर, ये 25 × 10^-4। चूँकि इधर कितना था, 5 × 10^-2 ही तो था, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25, और 2 दुनी कितने हो जाएंगे? 4। और इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100, ये 2 दुनी कितने हो जाएंगे? 4। तो ये हो गया ए डी स्क्वायर। अब 25 × 10^-4 इधर पक्षांतर कर लो, माइनस का हो जाएगा, 100 में से 25 घटा दो तो 75 × 10^-4 बराबर ए डी स्क्वायर। और ए डी स्क्वायर ही तो आर है, आर तो आर स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर बराबर 75 × 10^-4 मीटर, ठीक है। इसे मान लिया है, ठीक है बेटा, 75 × 10^-4। अब निकाल सकते हैं हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4πε₀Q/r² तो 1/4πε₀ इसका मान बेटा 9×10^9 होता है, क्यू का मान 0.100×10^-6 था, और आर स्क्वायर का मान निकल गया है 75 × 10^-4, ठीक है बेटा, 75 × 10^-4। अब देखो बेटा यहाँ से 1, 2, 3 अंक पीछे ले जाएंगे तो घात क्या बढ़ जाएंगी? 3 बढ़ जाएंगी, तो 6 की जगह घातें कितनी हो जाएंगी? 9। कितनी हो जाएंगी बेटा? 9 घातें हो जाएंगी, ठीक। अब माइनस की 4 घातें ये 10^9 और ये माइनस की 6, ठीक। अब यहाँ से बेटा देखो ये ठीक, अब देखो बेटा ये 9 से 9 घातें हट जाएंगी, 9 से 9 घातें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी, और ये 10^-4 को ऊपर लाएंगे तो ये घात किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, तो माइनस की 4 ऊपर ले आए, 10^ कितनी होगी? प्लस की 4 इंटू ये 100। अब ये कितना बचा? 9/75, और 9/75 9 का एक घात यहाँ से यहाँ रख दिए तो ये 90 हो गए, 90/75 और 3 और 2 घातें कितनी होगी? 100 की 2 घातें, तो 10^3 और 10^2 कितनी होगी? 10^5, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10^5 न्यूटन प्रति कूलाम, 1.2 × 10^5 न्यूटन प्रति कूलाम।
तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकला है, कितना निकल के आया बेटा 1.2 × 10^5। ठीक है बेटा, और ये 100 ये वाले बचे, पॉइंट को हटाया था तो ये 100 यहाँ बच गए थे। ठीक है बेटा, ये वाले 100 पॉइंट को 3 अंक पीछे ले गए तो ये 100 यहाँ से बचे थे। ठीक है, ये वाले 100। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। संलग्न चित्र में 3 बिंदुओं ए बी तथा सी के बीच की दूरियाँ प्रदर्शित हैं। बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः Q1 = −1.2 × 10^-8 कूलम है तथा Q2 = −1.6 × 10^-8 कूलम आवेशित है। बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ पर बेटा? सी पर ज्ञात करनी है तीव्रता, तो सी पर तीव्रता निकालनी है। तो देखो बेटा, पहले यहाँ से इसके कारण इस पर तीव्रता निकाल लें, इसके कारण इस पर तीव्रता निकाल लें तो द्वि तीव्रता हो जाएंगी। और ये 3, ये 4, ये 5 समकोण त्रिभुज होगा। ये कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये तीव्रता आपका फॉर्मूला बनेगा E√E1² + E2² तो देखो बेटा, इस सवाल में Q1 दे रखा है 1.2 × 10^-8 और Q2 दे रखा है −1.6 × 10^-8। E ज्ञात करना है। तो बिंदु A के कारण बिंदु C पर तीव्रता, A के कारण C पर तीव्रता, और A पर आवेश कितना है? Q1। तो A के कारण C पर तीव्रता निकालेंगे। E1 = 1/4πε₀Q/r² और देखो बेटा, A पर आवेश कितना था? A पर आवेश था 1.2 × 10^-8 और दूरी कितनी है बेटा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 × 10^-2 का² यहाँ से बेटा इसे 3 का वर्ग करेंगे, 9 × 10^-4 हो जाएगा। 9 में से 8 घाते कम कर दें, कितने बचेंगे? 10। इसका इसे मल्टीप्लाई कर दो तो 10.8 × यहाँ कितना बचा? 10। और ये 9 का पॉइंट को 10 का इसमें गुणा कर दें, पॉइंट हट जाएगा, 10 का इसमें गुणा करके पॉइंट हट जाएगा, तो 108 कितना हो जाएगा? 9। 9 का इसमें भाग दे दो, कितने बार चला जाएगा? 12 बार। तो 12 × 10^4 न्यूटन हो जाएगा। तो ये तो निकल के आया किसके कारण? बिंदु ए के कारण बिंदु सी पर तीव्रता। अब निकालनी है बिंदु बी के कारण सी पर तीव्रता, और बिंदु बी से दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और बिंदु बी पर आवेश कितना है? 1.6 × 10^-8। तीव्रता में आवेश को चिन्ह को साथ नहीं लेते। ठीक है बेटा, तीव्रता में चिन्ह को साथ नहीं लेते। तो E1 = 1.4πε₀Q/r² इसका मान रख देंगे 9 × 10^9। Q2 = 1.6 × 10^-8। R2 = 4 × 10^-2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो 4 × 10^-2 का वर्ग करेंगे तो 16 × 10^-4 हो जाएंगे। 9 में से 8 कम कर दें तो 10 बचेंगे, और 10 का 1.6 में गुणा करेंगे तो पॉइंट 10 से पॉइंट हट जाएगा, तो 9 × 16 बचा, बट्टे में कितना? 16। माइनस की 4 घाते ऊपर ले जाओ, प्लस की हो गई, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो 9 × 10^4 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना आ गया? न्यूटन प्रति कूलाम। अब निकाल लो बेटा परिणामी तीव्रता। जैसा कि बेटा इस चित्र से ही स्पष्ट है, ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय तो बन रही है, तो ये 90° का कोण होगा, और 90° के कोण पर परिणामी तीव्रता पाइथागोरस प्रमेय से निकाली जाएगी। तो E√E1² + E2² यानी ये परिणामी तीव्रता निकालने का ये फॉर्मूला होता है E√E1² + E2² + 2E1E2cos θ। ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा यहाँ पे 90 बन रहा है, तो कॉस 90 कितना हो जाएगा? 0। तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो केवल इतना ही स्टेप तो बचेगा। तो यहाँ पर E1 का मान कितना आया था? ये 12 × 10^4। तो और E2 का मान आया था 9 × 10^4। तो E1 के स्थान पर 12 × 10^4, 9 × 10^4, इनका स्क्वायर कर दे 144 × 10^8 और ये 81 × 10^8। इन दोनों को जोड़ दो, 225 × 10^8 कितना आ गया? 8 आ गया।
अब 225 कितने का वर्ग होता है, 15 का, तो 15 गुणा 10 पे घात 4 का स्क्वायर कर देंगे तो ई कितना निकल के आया बेटा, 15 गुणा 10 पे घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इस वीडियो में बेटा तीन ही क्वेश्चन एक्सप्लेन हो पाए क्योंकि लेंथी क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।